my little friends. Welcome. Today we are going to read chapter number 2 from your English reader. The name of the chapter is Flying Together. Deep in a forest stood a very tall tree. किसी जंगल में, बहुत गहरे जंगल में, बहुत डीप जंगल में एक बहुत बड़ा सा ट्री था. Its leafy branches spread out like strong arms. और उसकी जो leafy branches थी, यानी कि जो उसकी branches थी जिन पे बहुत सारी leaves थी, वो ऐसे spread हो रही थी जैसे कि उस tree की बड़ी बड़ी सी strong सी arms हों. Arms यानी कि उसके हाथ हों. This tree was the home of a flock of wild geese. ये जो tree था, वो घर था एक flock of wild geese का. Friends, flock एक collective noun होता है, जिसे हम किसलिए use करते हैं, group of birds को बताने के लिए. तो इस tree पर बहुत सारे wild geese रहते थे. They felt safe there, और वो अपने आप को वहाँ पे safe महसूस करते थे. One of the geese was a wise old bird. और उन सब गीस में से एक गीस जो था वो बहुत ही वाइज था. दो वो एज के साथ ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो बहुत ही वाइज था, बहुत ही होशियार था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. इस गीस ने नोटिस किया कि वो जो ट्री था उसके जो फुट था, यानी कि ट्री के नीचे वाले एरिया में एक क्रीपर ग्रो हो रहा था. Friends, creepers are the weak plants that need support to grow. तो इस tree के नीचे भी एक creeper grow हो रही थी जो उस tree का support लेकर आगे बढ़ रही थी. तो ये जो old geese था, जब इसने creeper को notice किया तो उसने क्या करा? He spoke to the other birds about it. यानी कि उसने बाकी birds से बात करी अपने group में. Do you see that creeper? He said to them. उसने उनसे क्या कहा कि क्या तुम लोगों को वो क्रीपर नज़र आ रही है? Let us destroy it. हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो बाकी गीस ने सरप्राइज्ड होकर, हैरान होकर पूछा कि हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर देना चाहिए? It is so small. What harm can it do? तो बाकी सारे गीस ने क्या कहा कि ये तो बहुत छोटी सी क्रीपर है, ये क्या नुकसान पहुँचाएगी? My friends, replied the wise old bird. तो उनकी बातें सुनकर जो wise old bird था उसने क्या कहा? My friends, मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. ये जो छोटा सा creeper है, ये बहुत ही जल्दी grow कर जाएगा. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे जैसे ये इस tree के ऊपर creep करेगा, इस tree के ऊपर चढ़ता चला जाएगा, ये उतना ही thick, उतना ही मोटा, मजबूत होता चला जाएगा. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक क्रीपर हमें नुकसान ही क्या पहुंचा सकता है? बाकी सब गीस ने ऐसा कहा. Don't you see? Replied the wise bird. तो wise bird ने उनकी बात सुनकर क्या कहा? Don't you see? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? With the help of that creeper, इस क्रीपर की मदद से, It will be possible for someone to climb this tree. इस creeper की मदद से किसी के लिए भी आसान हो जाएगा इस tree के ऊपर climb करना. A hunter can come up and kill us all. ये भी हो सकता है कि इस creeper की मदद से इस tree के ऊपर कोई hunter चढ़ जाए, कोई शिकारी चढ़ जाए और हम सबको मार डाले. लेकिन उस old geese की ये बात सुनकर बाकी सब geese ने क्या reply किया? Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि इसमें जल्दबाजी करने की क्या बात है? इसमें इतना हरी करने वाली क्या बात है? ये जो क्रीपर है वो तो अभी बहुत छोटा है. It would be a pity to destroy it now. और इसे अभी डिस्ट्रॉय करना गलत होगा. हमें तो इस पर बहुत दया आ रही है. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. तो उस old bird ने उन्हें क्या एडवाइस दिया, क्या सलाह दी कि इस creeper को अभी destroy कर दो जब ये young है, जब ये छोटा सा है. Now it is tender and you can cut it easily because ये अभी tender है, बहुत ही soft है और आप इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही easily cut कर दोगे.
later it will become hard and you will not be able to cut it. क्योंकि बाद में ये बहुत hard हो जाएगा और आप इसे cut नहीं कर पाओगे. We will see, answered the birds. तो birds ने क्या जवाब दिया? कि हम देखेंगे, देखा जाएगा. But they did not destroy the creeper. लेकिन उन्होंने उस creeper को destroy नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. और वो उस wise old bird की advice को भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जैसे वो creeper बढ़ता चला गया, grow होता चला गया, उसने क्या करा? उसने अपने आप को ट्री के चारों तरफ वाइंड अप करना शुरू कर दिया. यानी कि उसने सर्कुलर वे में अपने आप को ट्री के चारों तरफ लपेटना शुरू कर दिया. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. और वो जो क्रीपर था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो बिल्कुल एक थिक रोप के जितना मजबूत हो गया. यानी कि एक मोटी रोप की तरह, एक मोटी रस्सी की तरह मजबूत हो गया वो क्रीपर. वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक सुबह जब ये सारे गीस खाने को ढूंढने के लिए, खाने की सर्च में गए हुए थे, तब एक हंटर फॉरेस्ट में आया. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. तो उस हंटर ने खुद से क्या कहा? अच्छा, ये वही ट्री है जिस पे वो वाइल्ड गीस रहते हैं. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. और शाम के वक्त जब वो वापस आएंगे इस ट्री पर, तो मैं उन्हें कैच कर लूंगा, मैं उन्हें पकड़ लूंगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. और हंटर उस क्रीपर की मदद से ट्री के ऊपर क्लाइम कर गया. ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. और हंटर ने क्या करा? उसने ट्री के टॉप पर अपने नेट को बिछा दिया, अपने जाल को बिछा दिया. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. और ऐसा करने के बाद वो वहां से चला गया. इन द इवनिंग द गीस रिटर्न्ड होम. तो जब शाम हुई तो वो सारे के सारे गीस अपने घर पे वापस आए, अपने उस ट्री पर वापस आए. दे डिड नॉट नोटिस द नेट. और उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया, नेट की तरफ ध्यान नहीं दिया. As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो ट्री के ऊपर आके बैठे, वो उस नेट के अंदर trapped हो गए, उस नेट के अंदर फंस गए. They struggled hard to get out but could not. अब उन्होंने बहुत struggle करा, बहुत कोशिश करी उस नेट से बाहर निकलने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब उन गीस ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू करा, हमारी मदद करो, हम हंटर के नेट में फंस गए हैं, ओ हम क्या करेंगे. डोंट मेक अ फर्स नाउ, सेड द वाइस ओल्ड बर्ड. तो ये सुनकर जो वाइस ओल्ड बर्ड था उसने क्या कहा? डोंट मेक अ फर्स नाउ. अब क्यों फर्स क्रिएट कर रहे हो? अब क्यों कंसर्न दिखा रहे हो? अब क्यों इतना शोर मचा रहे हो? Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. मैंने तुम लोगों से बहुत समय पहले कहा था कि उस creeper को destroy कर दो, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह वो जो hunter है वो वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा. We were foolish, wept the birds. तो उन birds ने रोते रोते, weep करते हुए कहा, We were foolish. हम foolish थे. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. हम लोग आपसे sorry कहते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी. लेकिन please आप हमें अब बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए. Then listen carefully, replied the wise bird. तो wise bird ने क्या कहा? ठीक है, अब ध्यान से सुनो. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो hunter आएगा, तो तुम सब लोगों को ऐसे pretend करना होगा, ऐसा नाटक करना होगा कि तुम सब लोग dead हो चुके हो, तुम सब लोग मर चुके हो. Just lie still. बस still होकर, शांत होकर लेटे रहना. The hunter will not want dead birds. क्योंकि वो जो hunter है
उसे मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए होंगी. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो क्या करेगा, वो हमें ग्राउंड पर ज़मीन पर फेंक देगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, क्योंकि उसके बाद उसके लिए आसान हो जाएगा नीचे उतरना. कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और फिर जो डेड बर्ड्स हैं उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाने में उससे आसानी हो जाएगी. वेन द लास्ट ऑफ अर्स हैज़ बीन थ्रोन डाउन, तो जैसे ही वो हम में से आखिरी बर्ड को नीचे फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, उसी समय हमें एकदम से उठ जाना है और उड़ जाना है. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप, तो सुबह के टाइम पर वो जो हंटर था वो वापस पेड़ की तरफ आया और उसने उस पेड़ के ऊपर क्लाइंब करा. ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, और जो गीस थी नेट के अंदर उसने उन्हें देखा. दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से बहुत ही धीरे आवाज में मटर करा, बोला कि ये सब तो मर चुकी हैं. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और उसने क्या करा, उसने एक एक करके उन सबको नेट से निकाल के ज़मीन पर फेंकना शुरू किया. द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, तो वो जो सारी बर्ड्स थी वो ज़मीन पर लेटी रहीं, ऐसे नाटक करती रहीं जैसे कि वो मर गई हैं, जब तक कि हंटर ने जो लास्ट बर्ड थी उसे नेट से निकाल कर ज़मीन पर नहीं फेंक दिया. देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, तो जैसे ही हंटर ने लास्ट बर्ड को नीचे ज़मीन पर फेंका, तो वो सारे की सारी बर्ड्स एकदम से एक साथ उठीं. उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया, फ्लैप किया मीन्स अपने विंग्स को ऊपर से नीचे शिफ्ट किया, और वो आसमान में उड़ गई. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, तो जो हंटर था वो इस चीज़ को देखकर सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड रह गया. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, और वो जो हंटर था वो ट्री के ऊपर से देखता रह गया उन सारी गीस को उड़ते हुए आसमान में.